आज बिहार बोर्ड के 10वीं की परीक्षा हुई है, जिसमें बिहार बोर्ड गणित का गणित की परीक्षा हुई, जिसमें बच्चों ने क्वेश्चन को देखकर उनके होश उड़ गए। बच्चों ने 20% से ज्यादा क्वेश्चन को हल नहीं कर पाए। 18 लाख के बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं। लग रहा है कि सिर्फ एक 50,000 या 25,000 बच्चे पास करेंगे। बोलिए, बच्चे रो रहे हैं। कैसा क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग को? हम लोग का सिलेबस से कोई क्वेश्चन नहीं था। हम लोग इतना सारा सिलेबस पढ़े हैं, एबीडी गाइड पढ़े हैं, एबीडी गाइड में सब कुछ पढ़े हैं, इतना सारा सिलेबस पढ़े हैं, हम लोग का कुछ नहीं है इसमें से। हम लोग के साथ ऐसा क्यों हुआ है? बाहर से क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा? अगर जो क्वेश्चन पूछना चाहिए तो बुक जो बुक बनाया गया है उसी बुक से पूछना चाहिए। शिक्षा मंत्री क्यों क्वेश्चन को बेचेंगे? हम लोग के साथ अन्याय क्यों हुआ है? अगर हम लोग के साथ ऐसा होगा तो बिहार में भी जो शिक्षा मंत्री होगा उसके ऊपर भी ऐसा होगा, कुछ होगा। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, हम लोग जो तैयारी किए थे एनसीईआरटी से पूरे मैथ को, इससे कुछ आया नहीं है। सब बाहर से भेजा दिया गया और हमारे शिक्षा मंत्री को हटा देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री हमारे इसको बेचा है, हमारे भविष्य को बर्बाद किया है। वो एनसीईआरटी से कितना क्वेश्चन पूछा था? एनसीईआरटी से 4 या 5 क्वेश्चन पूछा गया है सब्जेक्टिव में, और कुछ नहीं पूछा गया है। न थ्योरम क्वेश्चन आया है, न कुछ लिखना कंस्ट्रक्शन आया है, न ग्राफ आया है, न कुछ नहीं आया है। उसमें उसका क्षेत्रफल मांग रहे हैं। हम लोग क्षेत्रफल कहाँ से निकालेंगे सर? कुछ मान अगर एलसीएम या एलसीएम उसको बनाने के लिए बोलेंगे या उसमें दिया हुआ रहना पड़ेगा कि इसमें एलसीएम बनाएगा या एलसीएम बनाना पड़ेगा। उसमें कुछ दिया हुआ नहीं था कि क्या बनाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन दे देने से नहीं होगा ना, न बच्चे को समझ में आएगा तब न बच्चा बनाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम कहना चाहेंगे मेरा पूरा यानी पूरा सिलेबस से था जो वो 4 या 5 हिसाब था। ये इंटर का यानी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न था वो इंटर का था, वो बीए का था। ऐसे यानी कि प्रश्न दे दिया जो हम 5 कम से कम 1 घंटा में हम 20 नंबर का ही उत्तर सही से दे पाए, और आधा घंटा में ये 30 क्वेश्चन का उत्तर ऐसे ही दे दिए थे। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है, हम लोग जो पढ़े हैं और लेकिन उससे हम लोग का कुछ फंसा नहीं है, और पूरा बाहर से पूछा गया है और हम लोग जो तैयारी किए हैं उसमें से एक ने, और हम लोग का एनसीईआरटी से 5-6 क्वेश्चन पूछा गया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग जितना दिन से पढ़े एक भी क्वेश्चन इस किताब से नहीं, 2-3 किताब एग्जाम क्वेश्चन आया है सर। हम लोग जितना दिन से पढ़े इतना किताब पढ़े तो किस लिए पढ़े सर? एग्जाम देने के लिए अच्छा से, एक भी क्वेश्चन नहीं अच्छा से आया सर। हम लोग क्या बच्चियां रो रही हैं, बच्चे भी रो रहे हैं, उनके चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। बिहार सरकार से ये लोग अपील कर रहे हैं कि परीक्षा दोबारा ली जाए, और ताकि बच्चे पास कर सकें, अधिक से अधिक बच्चे पास कर सकें। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जो परीक्षा हुआ जो बिल्कुल बिल्कुल खराब क्वेश्चन था, जो पूरा क्वेश्चन बाहर से था, जो विद्यार्थियों की स्थिति बहुत ही खराब है, और बहुत से विद्यार्थी तो परीक्षा सेंटर में बेहोश हो गए थे। और पटना मेडिकल स्कूल में 2 विद्यार्थी ऐसे बेहोश हो गया, और उसके लिए एम्बुलेंस बुलाया गया। मैं इसलिए शिक्षा मंत्री से अपील करूंगा कि इस बार जो परीक्षा लिया जाए, इस बार परीक्षा दोबारा लिया जाए, नहीं तो विद्यार्थियों की स्थिति बहुत ही खराब है, और बहुत से विद्यार्थी बहुत ही रो रहे हैं। मैं इसलिए शिक्षा मंत्री से अपील करना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं साइंस और मैथ बहुत ही खराब गया, इसलिए साइंस और मैथ का दोबारा एग्जाम दिया जाए। बेस्ट हुआ। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या सरकार ये जवाब दे सकते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? अगर वो लोग के पास जवाब है तो हम लोग को फिर बताइएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। कि हम लोग का कल साइंस का भी एग्जाम हुआ था, वो ऑब्जेक्टिव जो था कोई समझ में नहीं आया, कहाँ से आया, कौन सा बुक से आया, कुछ पता नहीं। इतना सारा बुक्स खोल के देख रहे हैं हम लोग कल से, कुछ पता नहीं है कि कहाँ से आया। आज मैथ का क्वेश्चन आया, इंटर का क्वेश्चन आया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैफ है, और मैं इस बार का क्लास 10 का सेंटअप कर दिया हूँ। हम लोग एग्जाम देके आए, लेकिन ऐसा एग्जाम पहली बार बिहार में ऐसा इतना टाइट एग्जाम हो रहा है, और इतना टफ क्वेश्चन है।
हम लोग इस क्वेश्चन का सामना नहीं कर पाए और बिहार में जितने भी बच्चे एग्जाम दिए सभी का एग्जाम खराब गया है। 18 लाख बच्चे में हमको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन को देख के प्रथम पाली और सेकंड पाली का क्वेश्चन देख के 17 लाख बच्चे फेल करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सेटिंग जरूर क्वेश्चन को बेचा गया होगा, समुतला विद्यालय से बेचा गया होगा और ये बिहार सरकार की गलती है। बिहार सरकार को पहले चेक करना चाहिए। मैं बिहार सरकार को एक चैलेंज करना चाहूंगा कि आप भी इंजीनियरिंग पास किए हैं लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन नीतीश जी आप भी इंजीनियरिंग पास किए हैं अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर देते हैं मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। मेरे तरफ से 5 लाख का इनाम रहेगा और मैं अगर दे नहीं पाऊंगा तो मैं सब स्टूडेंट से चंदा करके पैसा दूंगा। और ये लोग और ऐसा क्वेश्चन हम लोग कभी पहली बार नहीं देखे थे। हम लोग का सबका एग्जाम खराब गया और हम लोग का सबका अनुरोध है और रिक्वेस्ट है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से कि ये मैथ का एग्जाम दोबारा किया जाए नहीं तो हम सब बिहार के सभी बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। बिहार के सभी बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा इसलिए एग्जाम दोबारा हो नहीं तो हम लोग का सबका भविष्य खराब हो जाएगा। आप नीतीश जी आप जरूर हम लोग का वीडियो देखें और हम लोग का बिहार इसको स्वीकार नहीं तो हम लोग पूरा बिहार को हड़ताल करेंगे। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं दोबारा मैथ का एग्जाम नहीं कराते हैं तो हम लोग बिहार को हड़ताल करेंगे। इससे हम लोग सभी बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। आपसे अनुरोध है कि एग्जाम दोबारा कराएं। दोबारा एग्जाम दोबारा।